हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। गाइज, रेजिस्टेंस जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं या फिर हमारा कोई सर्किट ऑलरेडी से बना हुआ है, गाइज अक्सर ऐसी कंडीशन आती है कि जो रेजिस्टेंस है जो उसमें लगे होते हैं वो गाइज अक्सर जो है हीट होने लगते हैं अपने आप ही, या फिर एक बाद में ऐसी कंडीशन आती है कि जो है वो पूरी तरह ही डैमेज हो जाते हैं, जिस तरह से आप इस सर्किट में देख सकते हैं। गाइज, इसी की वीडियो में आज हम बात करने वाले कि रेजिस्टेंस को हम किस तरह से बचा सकते हैं डैमेज होने से, और वो हीट होते हैं उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो गाइज आपको जो है वीडियो ओनली लास्ट तक देखनी होगी। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक 12 वोल्ट का अडॉप्टर का जो सर्किट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो एक रेजिस्टेंस था वो जो है सिंपल डैमेज हो चुका है, जो कि मेन सप्लाई पे लगा हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह से ये जो है डैमेज हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर हम अगर इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाए तो वो क्या काम करेगा या फिर नहीं करेगा, और ये भी जानेंगे कि ये जो हीट हुआ था ये आखिर क्यों हुआ था और हम इसे हीट होने से किस तरह से बचा सकते हैं। तो गाइज आपने ये जो सर्किट है वो देख लिया है, चलिए अब हम जो है इस सर्किट को एक मिनट के लिए इधर रखते हैं। अब सिंपल हम आते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर। गाइज आपने जो है अगर मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है उसको आप किस तरह से पता कर सकते हो, तो गाइज आपको जो है वो वीडियो इससे पहले देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को समझने से पहले आपको अगर वो वीडियो आ गई तो आप जो है इजिली इस वीडियो को भी समझ जाएंगे। तो आपको जो है आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्ट उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए हम जो है इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइज सबसे पहले हमें जो है एक बात का ध्यान रखना होगा, इसमें जब भी हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं या फिर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है लगा होता है तो उसमें क्या कंडीशन होता है। गाइज अक्सर मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी से लगा था, मैं वैल्यू भूल गया हूं इसकी, क्या वैल्यू है, क्या कैसा था रेजिस्टेंस, ठीक है, हाफ वाट में था, क्वार्टर वाट में था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो अभी मुझे नहीं पता है, मुझे पहले इसमें जो है कलर कोड करना होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी होगी। पर हमें जो है सबसे पहले यह जानना होगा कि जो हमारा लोड लगा हुआ है यानी आगे जो हमारा सर्किट चल रहा है इस वाले रेजिस्टेंस से, जो हमारा सर्किट आगे चल रहा है, मान लीजिए एक सर्किट बनाया आपने, ठीक है, उसमें जो है ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब उसमें जो है कोई 12 एम्पियर का जो है लोड लग रहा है या फिर 2-3 एम्पियर का लोड चल रहा है, तो गाइज अगर आप उस सर्किट में इस रेजिस्टेंस को लगाते हैं, वैल्यू 47 ओम है, ठीक है 47 किलो ओम, ठीक है, मान लीजिए अब उसमें जो है आपने क्वार्टर वाट का ही रेजिस्टेंस जो है लगा दिया, तो गाइज फुल्ली फाइनल जो है वो थोड़े ही देर के बाद हीट होगा और वहां से वो जो है डैमेज हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू तो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी यानी 47 किलो ओम ही रखना पड़ेगा। पर गाइज एक कंडीशन इसमें ऐसी आती है, आपको जो है उसके वाटेज बढ़ाने होंगे, यानी आपको जो है उसके क्वार्टर वाट में है, हाफ वाट में है, 1 वाट में है, 2 वाट में, 4 वाट में है, वो वाटेज आपको देखने हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास 1 वाट का रेजिस्टेंस था या फिर 2 वाट का भी हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता है, ठीक है। अभी मैं इसका अगर साइज देखता तो मुझे पहले पता चल जाता। तो गाइज आपको जो है ये जो है पहले ध्यान रखना होगा, अगर ये गाइस हाफ वाट का रेजिस्टेंस होता तो आपको जो है इसमें फिर 1 वाट का लगाना पड़ता, जिससे हमारा जो सर्किट है वो ना तो इतनी जल्दी डैमेज होता, यानी जो रेजिस्टेंस है ना तो इतनी जल्दी फूकता, और यहां से जो है ना हमारा ये सर्किट जो है वो बंद होता। तो गाइस इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें इसने जो है उड़ा दी है, यहां से बेकार हो चुकी है बिल्कुल। यहां से आप देख सकते हैं अभी कुछ ही कंपोनेंट इसमें बाकी है जो ठीक है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम जो है यही जानने वाले थे कि हमें जो है हम जब भी कोई सर्किट बनाते हैं तो हमें वैल्यू का तो ध्यान रखना ही रखना है, पर हमें वाटेज का भी उसमें ध्यान रखना होगा कि कितने वाट का हम रेजिस्टेंस वहां पे लगा रहे हैं। गाइस आज की वीडियो में हमने जाना कि हम जो है किस तरह से रेजिस्टेंस को डैमेज होने से और हीट होने से किस तरह से बचा सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो, थोड़ा सा समझ में आया हो, तो यार प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज एक बार नीचे जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।